हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कैसे आप एक इमेज को एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में चेंज कर सकते हैं। एक इमेज को आपने टेक्स्ट फाइल में चेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। हमारे पास एक ऐप होता है जो प्री इंस्टॉल आता है, गूगल फोटो के नाम से ये वाला ऐप है। ये तमाम मोबाइल में आपको मिल जाएगा, ये ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। आपने इसे ओपन कर लेना है। ये आपसे गैलरी की एक सेट वगैरह मांगेगी, वो आपने दे देनी है। उसके बाद आपके पास पूरी एक पिक्चर पड़ी हुई है, जैसा कि मेरे पास ये पिक्चर पड़ी हुई है। मैंने इसे ओपन कर लिया सिंपली। अब यहाँ से आपने लेंस का ऑप्शन शो हो रहा है, क्लिक करना है। उसके बाद ये ऑप्शन शो करेगा टेक्स्ट का, तो आपने टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ सेकंड के बाद ये ऑप्शन शो करेगा सिलेक्ट ऑल, तो आपने सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन करना है। सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा ऑप्शन कॉपी टेक्स्ट, तो आपने इस पे क्लिक करना है। तो आपका टेक्स्ट कॉपी हो चुका है। अब आप कहीं भी इसे जाके पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं व्हाट्सएप पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे पास था तो वो ये वाला मेरे पास डॉक्यूमेंट था, तो ये यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अगर आपने इसे वर्ड की फाइल बनानी है तो सिंपली यहाँ से कॉपी करें और एमएस वर्ड में इसे पेस्ट कर दें, तो वर्ड की फाइल भी बन जाएगी। ये हमारे पास एक इमेज पड़ी हुई थी जिसे हमने टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दी है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।